दोस्तों यहाँ पे मेरी चावल की खीर जो है तैयार हो चुकी थी। इतना मस्त बना है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिठाई खा रहे। 212 रुपए में हम लोगों ने 1 लीटर दूध मंगाया था, 900 ग्राम आलू, 900 ग्राम कांदा, 450 ग्राम टमाटर और 4 से 5 भाजी, वो सब बताता हूँ मैं। बस ना इनके ऐप में ना बहुत डिस्काउंट के ऑफर रहते हैं, कभी कभी टाइम इतना पूरा हो जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। नया दिन नई शुरुआत। दोस्तों कैसे हो? एकदम मस्त, बढ़िया। मुझे आप बताइए, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। ठीक हो? ठीक है। ऐसे ही अगर सब दोस्त जो देखते हैं वो कमेंट करें तो अपना वीडियो ऐसे ही वायरल हो जाए कमेंट्स की वजह से। पर अपने दोस्त पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते। मतलब लोग, सारे लोग देखते हैं, जो जानते हैं वो तो कर सकते हैं, बट ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते। देख रहे हो, उससे अच्छा कमेंट भी कर दो दोस्तों। चोरी चोरी चुके, चुके। तो मैंने नहा धो लिया है एंड मैंने प्लान किया है कि मैं अभी जो है खीर बनाऊंगी, जो भोलेनाथ को पसंद है, चावल की खीर। पूजा वगैरह करेंगे, बोलने पे ही मेरे को मुंह में पानी आ गया। आज मैं अम्मू कैसे बन गई? मेरे को चावल वावल की खीर पसंद नहीं थी, तुम्हारे हाथ की खाने लगाऊंगा। हाँ, और दूसरी चीज, भगवान को पसंद है इसीलिए बना रहे, अम्मू को पसंद है इसीलिए नहीं बना रहे। और यहाँ पे आते ही ये महाशय अम्मू को लगा देता है काम पे। कितने बाल निकले? तो आपको कितने बाल निकले इसके? देखे, बाप रे, देखो इसको रहा ही नहीं जा रहा, इतना मजा आ रहा है। दे दो इसको, दे दो, देखो दोस्तों, बॉल बना के दे दो इसको। मम्मी को बोल मेरे को खीर के अलावा कुछ देने तो और करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरी चावल की खीर जो है तैयार हो चुकी थी एंड मैंने भगवान को भोग भी चढ़ा दिया। थैंक यू सुना, इतना अच्छा खाना देने के लिए। इट्स ओके, हम ऐसे थैंक यू वगैरह इसलिए बोलते हैं ताकि हम आगे बच्चे जब हमारे होंगे या हमारे जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो सब अच्छी चीज़ें सीखें। आप लोग भी जब भी खाना खाओ या आपको कोई खाना दे उसका थैंक यू बोलना। ये थैंक यू उसको बोलना क्यों नहीं सिखाया तुमने? क्योंकि वो अभी मेरा बड़ा बच्चा हो गया है, बड़े बच्चे साले नहीं सीखते। तो आज अम्मू नहीं मैं देगा आपको रिव्यू। इतना मस्त बना है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिठाई खा रहे। बहुत बेहतरीन, एकदम स्वीटनेस आ रही है, अलग ही टेस्ट आ रहा है। भगवान जी आप भी खा लो, प्लीज खा लो भगवान, नहीं तो मेरी सोना खा लेंगे। अच्छा मैं खा लूंगी या तुम खा लोगे? क्या बना रही हो? मैं सोना स्पेशल उपमा। बन गया? नहीं, एक घंटा लगेगा यार, नया शेफ रखना पड़ेगा यार। क्यों? नहीं ऐसे चलेगा नहीं, तुम ड्यूटी बराबर कर नहीं रही हो। ठीक है नया रखो ना, मैं ही बनाऊंगा अभी कल से खाना बिना, बहुत हुआ अभी तुम्हारा। वैसे भी जिस दिन ब्लॉक करते हो करते हो उस दिन बनाते हो, बाकी तो मुझे ही बनाना पड़ता है। क्या क्या बोल रहे हो? जिस दिन मैं ब्लॉग करती हूँ उस दिन बनाते हो, बाकी तो मुझे ही बनाना पड़ता है। दोस्तों इसकी शक्ल है कि खाना बनाने जैसी, बैगन बैगन हो जाए। हाँ चलो आज बैगन का भरता तुम बना के दिखाओ। I am working today. मालूम था, अभी काम है अम्मू का थोड़े देर में। Guys, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले कंट्री डिलाइट का एक्सपीरियंस। एक्चुअली बहुत बार एग देखते थे, बार बार वो दूध पे से ऐसे मलाई निकालते तो वो हम लोग सोचते थे यार क्या मस्त लग रहा है, अच्छा दूध है, कैसा होगा, क्या होगा, और ऑलमोस्ट शायद 1-2 साल से ऊपर से ही है वो कंपनी। तो हमने सोचा इस बार ट्राई करते हैं। तो कल ना मैंने ऑर्डर किया था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा फोन था, हमने काफी सेलिब्रिटीज को ऐसे फॉन्ट करते हुए देखा है, मोटी मोटी सी मलाई, देखते हैं सच में मोटी मलाई निकलती है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कंट्री डिलाइट का ऐप आता है, कंट्री डिलाइट का दूध कहीं से नहीं मिलता, वो एड में तो आपने देख लिया होगा। हम लोग पे करके ये एड करवाते हैं, हम फ्री में कर रहे हैं, आपके साथ जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि जब जो चीज अपन यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, डेली व्लॉग में, तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपने कंट्री डिलाइट का ऐप आता है, उस पर ऐसे हम लोग ने गए थे और हम लोगों ने ऑर्डर किया था। मैंने कल ऑर्डर किया था, आज सुबह आ गया था। कंट्री डिलाइट ऐप से दूध भी ऑर्डर कर सकते हैं और वेजिटेबल्स भी, तो हमने वेजिटेबल्स भी ऑर्डर किए, दूध भी ऑर्डर किया। और ऐप का सिस्टम सिंपल है, जैसे जेप्टो स्विगी जोमेटो पे हम भाजी वगैरह जो भी चीजें मंगाते हैं ग्रोसरी की, सेम वैसे यहाँ पे भी दूध सिलेक्ट करना है, ग्रोसरी वगैरह सिलेक्ट करना है, बट ये दूसरे दिन सुबह आता है। और इसमें
पेमेंट आपको पहले अपने वॉलेट में प्रीपेड करनी पड़ेगी, मतलब जैसे 250 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए ऐड कर दो और जो आप आइटम सिलेक्ट करोगे उसका बिल बनेगा दूसरे दिन, मतलब जब सामान आएगा उसके बाद। तो मैं जब ऑर्डर कर रहा था ना तो 206 रुपए का सामान था और वो जब आया तो ये 212 रुपए समथिंग का हो गया है। तो वो वजन के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट 212 रुपए में हम लोगों ने 1 लीटर दूध मंगाया था और 900 ग्राम, उधर एक्चुअली 450 ग्राम के पैक आते हैं आधा किलो के में, तो 900 ग्राम आलू, 900 ग्राम कांदा, 450 ग्राम टमाटर और 4 से 5 भाजी, वो सब बताता हूँ मैं आपको। और आज के वीडियो में सबसे मेन क्या देखने वाले हैं, कंट्री डिलाइट दूध की चाय कैसे बनती है और कंट्री डिलाइट दूध में वो मलाई बनती है कि नहीं। मैंने बफेलो वाला दूध मंगाया था और इधर लिस्ट में शोना डाल देगी स्क्रीनशॉट क्या क्या हमने ऑर्डर किया था, और वैसे दिखा तो रहे बस क्या क्या ऑर्डर किया था, प्राइसिंग के लिए आप उसमें देख सकते हो क्या कितने में आया था। कभी कभी बहुत ऑफर रहता है उनका, कुछ VIP मेंबरशिप है जिसमें उन लोग, जैसे अभी मेरे को तो पहली बार साइन अप किया तो 900 रुपए के बेनिफिट्स मिले हैं, तो जो भी डिस्काउंट उन लोग देते हैं ना वो बेनिफिट्स में से माइनस होता है। आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना, आप समझ जाओगे। इस वीडियो का मकसद बस ये है कि उनका चीज, उनके प्रोडक्ट कैसे है, उनका मिल्क कैसा है, वो देखने का। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं। उपमा बनाया शुना ने, मेरी जान ने उपमा बनाया मेरे लिए। अभी अभी मैंने क्रीम लगाया था। बताओ दोस्तों मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है इसके फेस पे कोई टच करे। बाल पे तो कर दिया नजर, बाल मेरे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है झड़ रहा है। अरे दोस्तों कमेंट करके बताओ इसके बाल बराबर है या नहीं, इसको ऐसा लगता है बहुत कम हो गए। अरे मेरे बाल बचपन से इतने ही हैं, बट वॉल्यूम ज्यादा है, बट अभी एज हो रही है, हर चीजें होती है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से होता है, ये कॉमन चीज है। अरे मेरे को पता ही नहीं है ना मेरे बाल झड़ते थे इतने कि नहीं, 3.5 साल तो मैंने बाल बड़े किए इतने इतने, तो 3.5 साल में मैं भूल गया कि मेरे छोटे बाल दिखते ही कैसे थे। और तो अभी मैं नहा रहा हूँ तो ऐसे मेरे झड़ नहीं रहे। झड़ना किसको बोलते हैं कि सोए हैं, तकिया वगैरह पे, बिस्तर पे बहुत बाल गिर रहे हैं, सिर्फ नहाने के टाइम जब रगड़ता हो तो गिरते हैं। बट स्टिल कुछ सजेस्ट करो दोस्तों, कुछ अच्छा रहेगा तो अपन कर लेंगे। इधर देखो पूरा टकला है, इधर देखो पूरा टकला है। मैं इतना रोती नहीं हूँ जितना ये रोता है, बताओ इसको, समझाओ इसको। बट ये आप अगर पता होगा ना कुछ तो बताना, हम लोग ट्राई करेंगे। बस मैं चाहता था जो डे टू डे मैं इसको पकाता हूँ आप लोग को भी पका दूँ, तो आज मैंने पका दिया। अब मैं नेक्स्ट एक दो वीडियो में फिर पकाऊंगा, कुछ और चीज पे पकाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना नाश्ता आ चुका है, हम नाश्ता कर लो। तो अभी ना शोना इतना अच्छा नाश्ता देने के लिए, ओ माय गॉड, सीख लो यार, अपने बच्चों को भी सिखा दो, इतनी प्यारी चीज अम्मू करता है ना। चलो वैसे एक कमेंट आया था कि आप लोग चपाती क्यों नहीं खाते हो और ब्रेड खा रहे हो, शायद ऑमलेट बनाया था उस दिन का कमेंट है। तो हम लोग चपाती इसलिए नहीं खाते क्योंकि मेरे को तो नहीं जमती है, मेरे को भी बचपन से राइस खाने की ही आदत है और प्लस अम्मू को आदत थी, लेकिन पता नहीं अभी उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है मेरे साथ आके। अरे मेरे को कैसा था, मैं बचपन से मैं राइस नहीं खाता था, दाल नहीं खाता था, दाल तो खैर मुझे अभी भी पसंद नहीं इतनी, बट अभी मैं राइस खाने लगा हूं। राइस में कैसा है ना, थोड़ा सा खा लेता हूं पेट भर जाता है, रोटी में 4-5 रोटी खाओ तब पेट भरता है, और पता नहीं बचपन से रोटी खाई, बट अभी रोटी खाता हूँ ना बहुत ब्लोटिंग होती है, शायद ग्लूटेन की वजह से या कुछ, तो वो रोटी मुझे सूट नहीं हो रही है। मैं जिस दिन राइस खा रहा हूँ ना उल्टा मेरा वेट भी कम हो रहा है, मैं 97 हो गया था अभी मैं 92 पे आ गया हूँ राइस खा के 3 महीने से, तो 5 किलो वेट कम किया है मैंने सिर्फ राइस खा के। और ऑब्वियसली पहले मैं ऑमलेट ब्रेड बहुत खाता था, अभी हफ्ते में 1 या 2 दिन, नहीं तो पहले तो ऑलमोस्ट 5 दिन तो खाते थे, 5-6 दिन कंटिन्यू, तो वो भी ऑमलेट एग ऑमलेट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, बट सूट नहीं हो रहा है। कभी कभार हम लोग वीकेंड्स में हम लोग रोटी वीटी बना के खा लेते हैं, बट ऑफिस वाले दिन मेरे को राइस ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि थोड़े से राइस में पेट भर जाता है, ज्यादा ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि नाइट शिफ्ट रहती है ना तो और परेशानी होती है, इसलिए नहीं खाते। बट थैंक यू फॉर योर सजेशन, आप लोग जो बोल रहे हो सही बात है, बहुत से लोग बोलते हैं रोटी अच्छी होती है, बट आई थिंक बॉडी वाइज भी डिपेंड करता है, मुझे राइस सूट हो रहा है अभी फिलहाल, राइस खा रहा है। चलो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, ऐसी सजेशंस देते रहो, अच्छा लगा, बात होगी, बात अच्छा लगा। दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया एंड अब सोच रहे कि आपको कंट्री डिलाइट की चीजें बताते हैं। वेलकम, आपका होस्ट आपको बताएगा कंट्री डिलाइट की चीजें। चीजें क्या होती है, वही वेजिटेबल्स वगैरह, बस एक बार देख लो क्या कैसे दिखता है। दूध निकालो, थोड़ा काम करा, हमने मंगाया था बफेलो दूध ऐसे दिखता है यार अंदर से ही, बाबू ये तो तुमने बताया ना अंदर से भी ठीक लग रहा है क्या? हाँ है, ठीक है। इसका ना शोना ने 2 पैकेट मंगाए थे, 1 पैकेट सुबह
वो बनाने में यूज कर लिया, क्या बनाने में, खीर बनाने में, वो इतनी टेस्टी बने थे, हो सकता है शायद ये भी एक रीजन हो, बहुत टेस्टी बने थे। तो ये रहा दूध, ये इसका अपन दो टेस्ट करेंगे, एक तो इसको बॉईल करके रखेंगे कि मलाई देखेंगे जैसे वो सेलिब्रिटीज बताते हैं उतनी मलाई जमती है कि नहीं, और एक इसकी चाय बना के पियेंगे कि चाय कैसी लग रही है ना सुना क्या। चाय बना दो। वेजिटेबल्स में दोस्तों हमने मंगाया था, हाँ तो ऐसे पैकेट्स में ही आता है, दो कोरिएंडर कुछ 15-16 रुपए की है, प्राइसिंग शो ना स्क्रीनशॉट डाल देगी देख लेना। हाँ। ये कैबेज है कुछ, ये भी 15-20 रुपए की है, 10 रुपए की आई थिंक, और ये 20 रुपए की कॉलीफ्लावर, देन ये 450 ग्राम बैंगन है 20 रुपए का, और ये 7 रुपए की पाव किलो है 225 ग्राम भिंडी 7 रुपए का दोस्तों, ये 15 रुपए तक की मिलेगी अपने को बाहर लोकल। बस ना इनके ऐप में ना बहुत डिस्काउंट के ऑफर्स रहते हैं, अभी मैंने जैसे आलू मंगाया था, आलू 900 ग्राम आया था कुछ 4 रुपए का, मतलब बहुत डायरेक्ट 90% ऑफ ऐसा रहता है। फिर कांदा मैंने मंगाया था वो कुछ आया था 30-40 पैसे का आधा किलो, फिर ये टमाटो मैंने मंगवाया ये कुछ है 40 पैसा या 2-3 रुपए, वो स्क्रीनशॉट में देख लेना, ये देसी टमाटो बोल के दिया है। लौकी इसमें से आलू यूज कर लिया है दोस्तों मैंने, सोना ने इसमें से आलू भी यूज कर लिया है, कांदे देखो ऐसे, ये 450 ग्राम का एक पैक, तो ये मैंने 2 पैक मंगाए थे, पर आलू कितना आया था वो मैं लगा, आलू भी ऐसे 900 ग्राम आया था, और जिंजर भी सोना ने लगता है निकाल लिया है, हाँ यूज कर लिया मैंने वो, तो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना मैंने लिया, मैंने पहले वीडियो और ले लिया था। भी सोना ने यूज कर लिया है, एक ऐसा एक और आया था, मतलब तीन नींबू आए थे 125 ग्राम 20 रुपए में, अभी नींबू महंगा भी चला ना, तो ये नींबू भी निकाल लो, बड़े बड़े नींबू, और ये है चुकंदर, क्या है चुकंदर ही बोलते नहीं बीट रूट, नहीं तुम हिंदी वाला ही बोलो क्या बोलते चुकंदर, ये बीट रूट है गाइस बीट रूट। ये कितने का आया जान, ये भी शायद बहुत सस्ता था ना, वो स्क्रीनशॉट में बता देना, नहीं तो दोस्त लोग बोलेंगे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो डम्ब है। किसको, तुमको, तुम वही डम्ब, स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे दोस्तों। तो इतनी सारी भाजी दोस्तों, इसमें आलू और जिंजर और लेमन है ही नहीं, हाँ। इतना सब, और 1 लीटर दूध जो 70 रुपए का था, ये सब मिला के 212 रुपए में आया है, विच इज वेरी गुड। चलो अब मैं ऐसे थक गया बैठ बैठ के, चाय पिला दो, दूध में डालती हूँ वो तो दिखा दो, उसके लिए मतलब दूध डालते हैं और देखते हैं ना उसकी थिकनेस कैसी है, तो नॉर्मल दूध जैसे ही लग रहा है दोस्तों, सोना बोल रही है नॉर्मल दूध जैसा लग रहा है, हमने बफेलो मिल्क मंगाया था, थोड़ा है थिकनेस ऐसा नहीं है नहीं। और अभी नेक्स्ट हम इसका ट्राई करने वाले हैं काओ मिल्क, जिसका नाम लिखा था फुल क्रीमी काओ मिल्क फुल क्रीम वाला, तो वो भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि अपने को गाढ़ा दूध चाहिए, नहीं तो फिर अपन वापस गोकुल, ये डालू ना इंडियन जुगाड़ थोड़ा सा पानी इतना, वो तो डालना पड़ेगा नहीं तो दूध वेस्ट होगा, वो दूध गर्म भी तो होगा तो उतना तो निकल भी जाएगा। नाइस, खीर खाओगे, खीर मुझे खानी है, खीर मुझे खानी, तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है, एक बार दूध उबल जाता है ना उसके बाद में मैं चाय बनाऊंगी, तो ये भाजिया जो है मैं यहाँ पे सेटल कर देती हूँ। बेबी चाय तो बेबी वीडियो बाद में बनाना, दोस्तों चाय बन चुकी है, कंट्री डिलाइट की चाय है, देखो गाड़ी तो लग रही, गाड़ी लग रही है, गोकुल के जैसे ही लग रहा है, बड़ा अच्छी है, ऐसा नहीं कि बेकार है। शाम हो गई है तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपनी दूसरी चाय, तो सोचा कि दूध आपको बता ही दूं क्या हाल है दूध का, वैसे तो काफी टाइम हो चुका है जब से मैंने इसको गर्म किया है, तो इसकी मलाई अगर आप देखो तो इतनी है, मतलब नॉर्मल मलाई है, ऐसे जैसे दिखाया जाता है कि बहुत गाढ़ी मलाई होती है वैसे तो नहीं है, बट ठीक है शायद दूध कम है क्योंकि आधा लीटर दूध ही है, आधा लीटर तो कल मैंने गर्म कर लिया था तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो फिर हमने बफेलो मिल्क मंगवाया था, एक और मिल्क था आओ फुल क्रीम मिल्क ऐसे करके कुछ था वो, शायद उसमें ज्यादा मिलता ये मलाई, इसमें शायद कम है ऐसे भी हो सकता है, और दूध की कमी मुझे ऐसे लग रही कि थोड़ी सी कमी है, हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, देखो अच्छी खासी मलाई तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, है। तो जब वीकेंड में मैं वर्किंग होता हूँ तब मैं घर पे पारी करता हूँ शोना के साथ, तो अभी अपन खा रहे हैं चाय बटर पारी, बटर पार्टी। कपड़े चेंज कर लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है अपना शॉर्ट्स एडिट कर रही हूँ, अभी 9:30 तक मेरा शॉर्ट्स आ जाएगा, वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी देखो एंड प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड प्लीज हमारे वीडियोस शेयर करो लोगों के साथ, प्लीज प्लीज, कितना सिखाता हूँ फिर भी नहीं भूलती है क्या।
यही सब जो बता रहा हूँ मैं। अरे उनका मन होगा तो करेंगे, अब जबरदस्ती थोड़ी ना। दोस्तों मैं आज बनाने जा रही हूँ बैगन भर के, तो बैगन मैंने थोड़ा सा ऑयल में जो है फ्राई कर लिया है हल्का सा, और यहाँ पे पीनट क्रश करके उसमें सारे पाउडर मसाले डाले, जैसे कि हल्दी, मिर्च और फिर धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा। एंड यहाँ पे मैंने आलू ना आज फर्स्ट टाइम बिना छिले ऐसे फ्राई किया है, ट्राई करके देखते कैसा अच्छा लगता है। एंड वैसे अगर आपको चाहिए दोस्तों कि मैं रेसिपी अच्छे से शेयर करूँ, मतलब जब जब जो जो कर रही हूँ वो आप लोगों को बताऊँ, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, अदरवाइज जैसे दिखाती हूँ वैसे भी चलेगा तो भी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाल दिया और हल्दी और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला मैंने वापस से डाल दिया इसमें थोड़ा थोड़ा सा, और टोमेटो मैंने पीस लिया था तो एक टमाटर मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएगा ये सारा बैगन जो मैंने मसाले भर दिए थे इसके अंदर, और ये आलू। नीचे गई हूँ 11 बजे, कभी कभी टाइम इतना पूरा होता है ना, क्या ही करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है।